नमस्कार साथियों, बहुत ही दुख भरी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जब ये खबर मेरे पास आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। जो हजारों विद्यार्थी पिछले दो साल से बिल्कुल फायरमैन की तैयारी करके बैठे थे, जो होनार विद्यार्थी जो फायरमैन में पास हुए हैं, जो पिछले छह महीने से लगातार अलग अलग इंस्टीट्यूटों में जाकर फायरमैन फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, फायरमैन इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, यानी इंटरव्यू का मतलब वाइवा की जो होने वाला था, प्रैक्टिकल उनका होने वाला था, उसकी तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बड़ी दुखद सूचना है। और आपको थंबनेल से सारी बातें पता चल ही गई होगी, वैसे सोशल मीडिया है, लगभग सब बच्चे तक पहुंच गई है, फिर भी क्या हुआ है, ये भर्ती क्यों स्थगित की गई है, उन बातों पर अपन बात करते हैं। राजस्थान फायरमैन भर्ती शारीरिक दक्षता एवं प्रायोगिक की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये फायरमैन बनने वाले जो युवा थे, वो युवा बिल्कुल हताश हो चुके हैं। क्या सूचना है, सबसे पहले मैं उस सूचना पर परिचर्चा करता हूं, फिर सूचना को खत्म करने के बाद मैं आपको कारण बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण हुआ कि इस भर्ती को रोक दिया गया। देखो, आपको सबको पता चल गया होगा, यहां से आपको पता चल रहा है, ये आज का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये क्या हुआ है, 24/11/2022 को है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से ये नोट जारी किया गया है, और इसमें कार्यालय का सीधा सीधा आदेश है। क्या आदेश है वो सारी बातें करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, ये फायरमैन की भर्ती 2020 वाली भर्ती थी, आपसे जो फॉर्म भरवाए गए थे, सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन की ये भर्ती थी। 2021 वाली ये जो भर्ती थी, सबको पता है। अब इसमें हुआ क्या है मेरे दोस्तों, कि आपको डेट दे दी गई थी। क्या डेट दी गई थी, ये डेट दी गई थी आपको पहले 28 तारीख से, 28/11/2022 से 8/12/2022 तक सब समस्त जिलों में करवानी थी, और जो फायर अधिकारी वाली थी वो 28/11/2022 से 16/12/2022 तक जयपुर जिले में, यहां पर जो अग्निशामक अधिकारी थे उसकी तो जयपुर जिले में सूचीबद्ध की गई थी, और बाकी जो फायरमैन वाले पद थे उनके लिए समस्त जिलों में कार्यक्रम जारी कर दिया गया था। बच्चों को बता भी दिया गया था कि ये रोल नंबर वाले बच्चे वहां तक कार्य करेंगे। मगर अब यहां पर उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, अपरिहार्य कारणों से उक्त शारीरिक दक्षता एवं प्रायोगिक परीक्षा को स्थगित किया जाता है। कारण उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, पहली बात है, मगर कारण पर अपन परिचर्चा करेंगे। और अब अगला जो शेड्यूल जारी होगा इस परीक्षा का, दोबारा जारी किया जाएगा, जिसकी सूचना WW ये इनकी वेबसाइट है अपने राज्य कर्मचारी चयन आयोग की, तो इस पर आपको सूचना दे दी जाएगी। तो ये मान के चलो ये 2-3 महीने तो ये कार्यक्रम आगे गया ही गया। अब यहां इस पर जो हुआ क्या है, इसका ये जिसके पास नहीं है ऑफिशियल नोटिस से जारी किया गया है, ये देखो नोटिस ओरिजिनल है बेटा, सुनील पूनिया सचिव है, इसके द्वारा ये जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन ऑथेंटिक है, ऐसे कोई आप भ्रमित ना हो कि फर्जी है, ओरिजिनल बात है, ये ऐसा हो ही गया है। अब ये क्यों हुआ, इस पर मैं थोड़ी सी परिचर्चा करूंगा, क्योंकि ये नोटिस देख के आप समझ तो गए होंगे कि पोस्टपोन्ड हो गई है, लंबे समय तक ये आगे गई है, ये भी आप डेफिनेटली है, ये भी आपको डेफिनेटली। अब देखो इसमें थोड़ी सी अपन परिचर्चा करते हैं, क्या हुआ दोस्तों, 5 दिन पहले की एक खबर आई थी मेरे पास से कि इन जो फायरमैन जो 29 पद AFO के हैं, यानी फायरमैन अधिकारी के हैं, और 600 पद फायरमैन के, यानी टोटल जो भर्ती थी अपने 629 पदों के लगभग की ये भर्ती थी, जहां तक मेरा सानिध्य में या मेरी जानकारी में, तो 629 पदों में थी, जिसमें 29 पद फायरमैन अधिकारी के थे और 600 पद फायरमैन के थे, कंप्लीट है। अब हुआ क्या कि राजस्थान में जो ये AFO 29 पदों की जो भर्ती होने वाली थी, इनका जो प्रायोगिक परीक्षा ली जानी थी, इसको लेगा कौन, इनके सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने तो अधिकारी नहीं है, और एक जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी का अगर इंटरव्यू लेगा या ये प्रायोगिक परीक्षा लेगा तो ये तो उचित नहीं है, तो बाहरी राज्यों से इसकी व्यवस्था करने के लिए भी टाइम लग सकता है, मुख्य कारण यही सामने आया। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए पहले ही मुझे लग रहा था, 4-5 दिन से मेरी किसी मित्र से बात हो रही थी, सूचनाएं न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आ रही थी कि ऐसा हुआ है और हो सकता है आगे जाए। आज
दो बजे लगभग मेरे पास जो सूचना आई, दो बजे ये सूचना आई थी, 1:36 पर ये किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि सर ऐसा ऐसा हो गया है। तो ये सूचना मैं आपको दे रहा हूं। आपको जो भी सूचनाएं प्राप्त करनी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फायरमैन की अगली डेट कब आएगी इसकी मैं आपको तुरंत प्रभाव से सूचना उपलब्ध कराऊंगा, जैसे ही सूचना आती है आप तक करूंगा। फिजिकल जो तैयारी कर रहे हैं प्रायोगिक परीक्षा की, उन बच्चों से मेरा विशेष कहना है बेटा, समस्त उपकरणों के नाम और आपने तैयारी की है, अब इसको 2-3 महीने के लिए छूट, और अच्छे से तैयारी कीजिए और भी बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। सब चीजें होंगी, इन पर आगे आप पूर्ण चर्चा करते रहेंगे। फायरमैन की जो भर्ती है उसको स्थगित कर दिया गया है, अगला नोटिस जब आएगा आपको सूचना दे दी जाएगी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको फायरमैन की समस्त समस्त जो सूचनाएं हैं वो मैं समय समय पर उपलब्ध करवाता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।